इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान और इंडियन इलीगल कश्मीर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। इलाका जो है ये बेसिकली तेतरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस बोर्ड के बिल्कुल साथ ही आगे इंडियन चेक पोस्ट हैं, वो मौजूद हैं। हमारी बात हुई जब यहाँ पे मौजूद लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतना क्लोज है कि इंडियन बातें कर रहे होते हैं वो हमें सुनाई दे रही होती हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है, 14 अगस्त होती है या कोई ईद का त्यौहार होता है, तो क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर ही मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। ये रोड है जो कि हजीरा से कुछ थोड़ा सा आगे जाएं, अगर आप अब्बासपुर वाली साइड पे आए हैं तो तकरीबन 2 किलोमीटर पहले, और अगर आप पिंडी वाली साइड से आते हैं तो जो 2 किलोमीटर आगे जब आप आते हैं, तो दो रोड आपको एक अब्बासपुर वाली साइड पे चला जाता है और एक रोड जो है वो ये आता है जो कि तेतरी नोड वाली साइड जाता है, तेतरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट पर। तो अभी हम उस क्रॉसिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। रोड के बैक साइड पर ये भारत वाली साइड पे जो इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वो है सारा, ये वाले जो साइड आप देख रहे हैं ये सारा। तो अभी हम आगे क्रॉसिंग पॉइंट तक जाते हैं और फिर आपको वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं, जो कि टूरिज़म पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और आगे चलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम ये तेतरी नोड जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसमें तकरीबन 13 किलोमीटर है यहाँ से, तो हमें कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1.5 घंटा। अगर तो मतलब ये सीधा रोड है तो फिर हमें तकरीबन इतना टाइम लग जाएगा, 1/2 घंटा 35 मिनट लग जाएंगे। बट लेट्स सी कि हम किस टाइम तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम जब वहाँ पहुंचेंगे तो फिर हालात जो है वो भी होंगे, क्योंकि सारा कॉटन ऑफ एरिया होता है वहाँ पर, आर्मी होती है और सारा ऑल इन दैट सारी चीज़ें। ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का व्यू आप देख सकते हैं, फैज़ान रज़ा ये मस्जिद है, और जब भी आप आएँ तो ये आप किसी पूछें, ये वज़ीर माल जगह है बेसिकली जो है वो, सारा जो है सारा ये बाज़ार वहाँ से लेकर यहाँ तक इस थ्रू आउट है, क्योंकि ये मकामी लोगों की जगह है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान और इंडियन इलीगल कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। ये इलाका जो है ये बेसिकली तेतरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये हजीरा जो शहर है आज़ाद कश्मीर का, जो अब्बासपुर और इससे पहले जो दरमियान में एक रास्ता आता है, उस रास्ते से तकरीबन हजीरा से 2 किलोमीटर जब आप आगे आते हैं तो एक रोड नीचे वाली साइड पे, यानी कि तेतरी नोड वाली साइड पे मुड़ती है, और वही आगे आते हैं तो ये एक मेन चौक आता है, जिस चौक से एक रोड लेफ्ट साइड पे अब्बासपुर वाली साइड पे चला जाता है, और दूसरा जो है ये छोटा सा एक पैच है जो कि तेतरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट तक आता है। इस वक्त क्योंकि हम लोग इस गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और ये गेट आज ओपन नहीं है, वैसे कि जो इस जो अमूमी तौर पर 2 दिन अलाउ होते हैं, यानी कि बीच में आप हफ्ता और इतवार का दिन होता है कि आप लोग यहां पर आ सकते हैं, और बॉर्डर के जो अगला पॉइंट है, जो मेन जहां से इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड की जो इंडियन आर्मी की जो वहां पे चेक पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें बेसिक जो चीज़ है ये जहां तक आना, एक बेसिक जिस वाघा बॉर्डर पर लोग जाते हैं वहाँ पर तकरीब होती है, और बड़े तरीके से हमारी फोर्सेज जो हैं वहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब होती हैं और बहुत लोग इसको इन्जॉय करते हैं। ये जो वीडियो बनाने का असल मकसद है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर भी लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, यहाँ पर लोग अपने टूर्स लेकर आते हैं और उनकी प्रॉपर एक परमिशन होती है। ये मेरे पीछे अगर आप देखें, ये सारा आर्मी के अंदर है सारा एरिया, और ये आर्मी चेक पोस्ट है यहाँ पे आगे। और अगर यासिर अगर आप थोड़ा सा इस तरफ हो, आपको ये बोर्ड दिखाया जाए, जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के बिल्कुल साथ ही आगे जो है इंडियन जो फोर्सेस हैं उनकी जो सारी चेक पोस्ट हैं वो मौजूद हैं, जिसमें अभी ये श्रीनगर लगा हुआ है और लद्दाख लगा हुआ है कि कितने किलोमीटर यहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और आप जब भी आते हैं तो यहाँ से जब भी कोई आता है, कोई भी टूरिस्ट आता है, कोई भी बंदा आता है जो यहाँ से आगे देखने का ख्वाहिशमंद है, यानी कि बॉर्डर का क्रॉसिंग पॉइंट वो उससे ख्वाहिशमंद होता है, तो यहाँ से अपनी एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाने के बाद वो आगे जो है आर्म फोर्सेज के जो लोग होते हैं वो अपने उस कस्टडी में लोगों को आगे लेके जाते हैं, और एक पॉइंट है जहाँ से तकरीबन 30 मीटर का से 70 मीटर का एक फासला है, जिस फासले से पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है वहाँ से बॉर्डर है, जो वहाँ से आगे इंडियन जो है वो फोर्सेज का बॉर्डर है वो वहाँ पर दरमियान मौजूद है। अभी हमारी बात हुई जब यहाँ पे मौजूद लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतना क्लोज है कि आप जो वहाँ पे जो इंडियन बातें कर रहे होते हैं वो हमें सुनाई दे रही होती हैं। अगर मेरे लेफ्ट साइड पे आपको अगर कैमरामैन दिखा सके, लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर है, अभी ये जो सामने दरख्त लगे हैं इनके साथ ही आगे जो
पानी वाला एरिया है उससे के बाद इंडियन जो है वो इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सारी वादी है वो पहाड़ है वो सारे शुरू हो जाते हैं। ये पूरा एक खूबसूरत खत्ता है और इस खत्ते में टूरिज़म को जो है जितना हम कह सकते हैं कि अब जहाँ लोग जाते हैं वाघा बॉर्डर, इसी तरह एक किस्म का ये भी एक क्रॉसिंग पॉइंट है। आपको याद होगा जब भी कोई त्यौहार होता है, 14 अगस्त होती है या कोई ईद का त्यौहार होता है या इंडिया की तरफ से अगर होली या कोई भी ऐसा त्यौहार होता है तो क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर ही मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। तो हमारे जवान भी और उधर से इंडिया के जो फौजी होते हैं वो भी वहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और इसकी प्रॉपर जो है मीडिया पर कवरेज भी होती है। इस जगह पर आना बहुत आसान है, आप सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान में जिस तरह वाघा बॉर्डर आगे आ सकता है तो तेथरी नोट बॉर्डर भी सामने आ सकता है। इसमें जैसे हमारे आपको मैं बताऊं कि कश्मीर पूरे में टूरिज्म के ऊपर एमटीबीसी काम कर रही है और चेयरमैन महमूदुल हक साहब जो हैं उन्होंने स्पेशल मुझे कहा है कि आप तेथरी नोट का विज़िट करें और आप लोगों को बताएँ कि यहाँ पर वो आ सकते हैं और ईज़िली आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन डेज़ हैं, क्योंकि आजकल तो ये बंद है क्योंकि हालात कशीदा थे, इसमें कुछ हमारे फ़ौजी जवान भी शहीद हुए और उस वजह से ये रोड अभी जो सारा है वो बंद है और ये इसी तरह रोड आगे इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जा रहा है, यानी कि जो वहाँ पर बॉर्डर है उससे जहाँ अगर ये टच होता है यहाँ पर तजारत होती है तो यही रोड इस्तेमाल किया जाता है इस यहाँ के शहर के लोगों के लिए। तो ये बेसिकली आप आ सकते हैं हफ्ता और इतवार, दो छुट्टी के जो दिन होते हैं इन दिनों पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले लोकल कम्युनिटी से आप चेक कर सकते हैं या आप किसी भी टूरिस्ट ऑपरेटर से चेक करवा सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं कश्मीर में, हजीरा में मौजूद होते हैं कि ये अभी आजकल खुला हुआ है या नहीं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप जब भी आना चाहें आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर आप आ सकते हैं और किस तरह आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रोड है जी जनाब, ये वाला चौक है जहाँ से आप सीधा क्रॉसिंग पॉइंट और ये अब्बासपुर वाली साइड पे ये रोड निकल जाता है और यही रोड सीधा आगे अब्बासपुर और अब्बासपुर पे फिर जो है आप इजीली निकल सकते हैं बाघ वाली साइड, लसदन्ना से जरिए होते हुए लसदन्ना वाली साइड पे। अगर आप अब्बासपुर या बाघ वाली साइड से आते हैं तो फिर आपको वहां से यहाँ से लेफ्ट होना पड़ता है इस एंडिंग नोड के ऊपर और फिर उसके बाद अगर राइट होते हैं तो आप हजीरा जा सकते हैं और अदरवाइज अगर आप हजीरा वाली साइड से आ रहे होते हैं तो आप सीधा बिल्कुल एंड पे जाएंगे, तेथरी नोट पासिंग ग्रेड पे गेट के ऊपर जाएंगे और अगर आप लेफ्ट होते हैं तो आप इजीली अब्बासपुर जा सकते हैं।